ओ भाई नीचे देख के बैठ रही है मेरी बहन, जो ऊपर देख के बैठ रही है मेरी तो नहला दिया भाई। यहाँ हुई थोड़ी सी हालत खराब, पूरा धूल में ढक गए हम। ये देखो भाई क्या हालत हुई है गोप्रो की। हाँ ये पास वाला रोड हमेशा वीडियोस में देखता था मैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ यार, अच्छे से ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ अभी। जय माता दी, जय महादेव बाबा की। भाई साहब ये रोड मेरी बाइक की परीक्षा ले रहा है। वैसे भी इसकी वेयरिंग इतनी हिल रही है, इतनी कांप रही थी, अब और ज्यादा हो रहा है। और वाइब्रेशंस की तो पूछो ही मत, जहर वाइब्रेशन से जहर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इतना सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा GoPro को रोकने का, स्टॉप करने का। मैं एडिट क्या करूंगा इसमें से। ये शायद कैंटीन हुआ करते थे, अब थोड़ा सीजन आउट हो रहा है तो एक सेकंड, इस चक्कर में खाली है अभी। माइट भी, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई। और जैसे जैसे भाई साहब हाइट बढ़ती जा रही है, व्यू और खतरनाक होता जा रहा है। लिटरली मतलब क्या ही बताऊं मैं यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं कभी, तो शुरुआत में हमें इतना मजा आ रहा है। जब ऊपर तक पहुंचेंगे, जुजिला पास पहुंचेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली परसों खारदुंगला पहुंचेंगे। क्या यार जिंदगी, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच महादेव कि मैं यहाँ तक आ गया। क्योंकि यार पता है जब प्लान बना था ना, हम मई में वापस आए थे केदारनाथ से, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि भाई सितंबर में लद्दाख करना है, कुछ भी हो जाए और एक और साल मैं नहीं झेल पाऊंगा। काफी सालों से यही चल रहा था कि इस साल करेंगे, अगले साल करेंगे, इस साल करेंगे, अगले साल करेंगे। थोड़ा पैसों की भी दिक्कत हुआ करती थी, पैसों की दिक्कत अभी भी है, चली जाएगी थोड़े टाइम में मोस्ट प्रोबेबली। ये ट्रिप पता मैंने कैसे सोचा था, कैसे प्लान करा है, इस महीने की पूरी सैलरी के ऊपर प्लान करा है मैंने। तभी मेरी सैलरी 10 तारीख के आसपास आती है, मैं 10 तारीख को सोची थी कि घर से निकलेंगे, 11 को निकले हम। मुझे पता है मेरा आधा महीना, मतलब जब घर पहुंच जाऊंगा उसके बाद का पूरा महीना मेरा ऐसे ही जाने वाला है कंजूसी कर करके। बट यार ये तो जरूरी था भाई, ये बहुत जरूरी था, ये नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता मेरी जिंदगी में। A few moments later. ओ भाई नीचे देख के बैठ रही है मेरी। मैं वेट करूंगा भाई, मेरे बस की नहीं है ये काम करना। हाँ भाई डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बाकी मुझे पता नहीं भाई आगे और कितना डिफिकल्ट होने वाला है। अभी तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब काफी डिफिकल्ट है। बट मैंने जब पहली बार केदारनाथ किया था ना, मैंने गलती कर दी थी जुलाई में करके, 10-11 जुलाई थी, वो भी बारिश ही बारिश मिली थी भाई लगातार 5 दिन। वहां पे तो बारिश रुकती ही नहीं है कभी कभी, नहला दिया। ये मिल गया मेरे को थंबनेल, आज होगी मेरे GoPro की सारी बैटरीज यूज। पता है मैं दिल्ली से 4 बैटरी लेके आया था GoPro की, और पिछले आज चौथा दिन है, पिछले 4 दिन में एक से ज्यादा यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को कुछ मिल ही नहीं, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा था। यहाँ की वाइब्स ये लगे भाई, मेरा मुंह ही नहीं बंद हो रहा। ये देखो यार, हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। माइट भी किसी और के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो, बट मेरे लिए नहीं है क्योंकि मुझे आदत हुई थी यार।
थोड़ी बहुत तो मतलब थोड़ा, हाँ पैरों पे पानी आया है। मेरी बाइक ने अभी जस्ट इस वाटर क्रॉसिंग से पहले क्या, हाँ हाँ गुड गुड, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, शायद पानी की पूछ रहा है। मन्ने नहीं चूतिए, भाई मैं वेट करूंगा। अरे यार ट्रिप वन बैंड रीसेट हो गई यार, 1000 किलोमीटर पूरे होते ही। रुको ऐसे मैं ट्रिप टू पे कर लेता हूँ, हाँ ट्रिप टू रीसेट कर दिया मैंने 0-0। 1010 किलोमीटर तो हो चुके हैं, भाई मैंने पीछे अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्योंकि बहुत सकरी सी जगह थी, साइड में खाई थी। और मुझे अपना पूरा का पूरा फोकस चाहिए था क्योंकि भाई मेरी फटती है इधर देख के, क्लियर कट बाद हाइट का फोबिया कह लो या कुछ भी कह लो, मेरी हवा खराब होती है। और सही में मेरी अभी हवा खराब हो रही है, मैं राइट साइड में बिल्कुल नहीं देखना चाहता इस टाइम। बाकी तो यार जब तक रोड पे नजर है सब ठीक है, मजा आ रहा है, बस वही बात है नजर हटी गांड फटी, दुर्घटना घटी तो छोटी सी चीज है पागल, नजर हटी गांड फटी है यहाँ। पता नहीं यार रास्ता क्यों बंद है और कब से बंद है, शायद हम तो निकल जाएं, शायद आई डोंट नो, नहीं निकल पाएगी, यहीं खड़े रहना पड़ेगा जब तक रोड क्लियर नहीं होता। ओहो मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई GoPro में, मतलब व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, अभी तो जोजिला है वो भी पूरी तरीके से नहीं आया है, और अभी से इस तरीके का एक्सपीरियंस, मेरी धड़कनें तेज हो रखी है इस टाइम तो ध्यान दो, मैं इस साइड आके रुका हूँ बिल्कुल, मुझे सेट देखना तक नहीं है। बहन जो ऊपर देख के फट रही है मेरी तो ज्यादा, क्या सीन है भाई निकल पाएंगे आज, प्रोबेबिलिटी हमेशा यहाँ पे रहती है भाई कि आपको यहीं रुकना पड़ जाए या वापस जाना पड़े थोड़ा। तो ऊपर वाली चट्टाने ढीली सी है, मैं मेरी गांड फट रही है देख के, हम वहां नीचे से ये होते हुए यहां तक आए हैं, अब मोस्ट प्रॉब्ली निकल, हम तो निकल ही जाएंगे अगर यहाँ से जगह मिल गई, क्योंकि यहाँ बहुत सरकरा है, संकरा जो भी होता है। GoPro साफ है? नहीं भाई कद्दू कुछ साफ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बेटा ठीक, सब ठीक, सब बढ़िया। मनीष भाई पानी कैसा था, ठंडा कितना, मजा आया, ठंड की शुरुआत हो गई। पानी काफी ठंडा था वहां पे जो वाटर क्रॉसिंग में हमने निकाला। A few moments later, भाई यहाँ हुई थोड़ी सी हालत खराब, पूरा धूल में ढक गए हम, लिटरली इतनी धूल थी अभी कि मेरे को GoPro ऑन करने का भी वो नहीं मिला हल्का सा मौका, ऊपर से डीजल। ओ भाई हाँ भाई यार डिफिकल्ट लद्दाख, अभी तो जोजिला नहीं हुआ। और ये पॉइंट है जैसे हम चला रहे हैं ना कि लोगों की क्लच प्लेटें फूक जाती हैं, वो देखो थोड़ा सा क्लच पकड़ के चला रहा है। मन्ने
क्लच पकड़ के नहीं चलाना है। ये मोमेंट होता है जब क्लच भूल जाता है लोगों की गाड़ियों का, बाइकों का, क्लच प्लेट्स चली जाती हैं। क्या बहन गड्ढे में कूदवाएगा मेरे को। सेकंड गियर में आई अभी पिछले 1.5 किलोमीटर से, तो बाइक उससे ऊपर मैंने डालने की कोशिश करी बट नहीं, मना कर दिया बाइक ने, घुटी भी थी एक बारी। आई गेस जोजिला पास हो गया है हमारा, पार हो गया या फिर अभी आगे होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट लग रहा है मेरे को यहाँ का, इसके बाद ढलान चालू है। हाँ जोजिला पास पार हो गया भाई, और ये हालत हो रही है, गोप्रो तो ढक गया होगा बेचारा पूरा। भाई क्या मैं निकल जाऊं, धन्यवाद भाई। फाइनली जोजिला पास, एक तो हुआ, पहला ही था। या नहीं वो होगा कोई बोर्ड वोर्ड तो था नहीं, और जैसा कि मैंने वीडियोस में देखा है, ओहो फो 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 माँ की आग, मन्ने साइड कर पहुंच के। यार एक फोटो तो होनी चाहिए यहाँ पे, मन्ना रुकेगा ही नहीं साला। क्या अल्टीमेट व्यू है यार, हुँ, 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 पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, मजा आ रहा है बस। ये हल्की हल्की घुटी क्योंकि मैं तीसरे गियर में हूँ और गाड़ी पे लोड आ रहा है। अगर मैं ये काम 4000 RPM पे करूँ, तीसरे गियर में चलाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाइक इनफ एयर सक कर रही होगी उस टाइम। वैक्यूम बनता है ना जब पिस्टन एग्जॉस्ट निकलता है बाहर, तो पीछे से वैक्यूम बनता है, वो एयर इनटेक होती है फिर। क्या समझा रहा हूँ, लग गया यार मैं भी, छोड़ो क्या करना तुम्हें जान के। पीछे से नहीं, इसके पीछे नहीं रहना। ओ बहन चो, 3 डंडे रह गए बस, पेट्रोल ज्यादा पी रही है बाइक, द्रास में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। द्रास रह गया होगा 40 40, तो बड़े प्यार से जाएगी यार, हंस के जाएगी। ओ भैंस की आग, झटका लिया मेरी बाइक ने। अबे भैया अभी तो सोजिला है, कार दुंगला पे क्या करेगी तू। ले मैं इसकी सर्विस कराते हैं, वैसे जरूरत है नहीं सर्विस की, बट फिर भी एयर फिल्टर वगैरह खुद ही साफ कर लूंगा मैं निकाल के। एक और वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। ऐसे कि हम तो मैं स्टम चालू भी नहीं कर सकता बेचारा, इतना हिल रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ नेटवर्क नहीं है, कोई गाने बंद हो गए मेरे। तो सामने है जोजिला पास का वो पॉइंट जहाँ पे खाने पीने को हमें कुछ मिलेगा। यार ये बिना हेलमेट के लोकल होंगे भाई, एटलीस्ट हेलमेट तो लगाना चाहिए यार। काश मनीष यहाँ रुक गया हो, क्योंकि मेरे को अब भूख लग रही है, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा भाई द्रास कारगिल पहुंचने का। आओ 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 आओ, मनीष रुक गया हो, काश यहाँ बस। नीचे है ADV राइड, नहीं करनी मेरे को, मैं वैन वैसे ही चला गया इतने दूर से।
चलो भाई रुक तो गया कम से कम। चाय मैगी मैगी खाएंगे मैगी। बाइक लगा दूं साइड में। आओ 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 भाई। अरे मेरी जान तो यहां तक ले आई। चलो भाई ये आई गेस जोजिला पास का पॉइंट है, बट ये होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसके ऊपर से आ रहे हैं हम काफी। जो भी है ठीक है, यहाँ तक आ गए बहुत है। चलो भाई थैंक यू सो मच गॉड। ये देखो भाई क्या हालत हुई है गोप्रो की। मुझे तो लग रहा पता नहीं क्या ही कैप्चर किया होगा इस बेचारे ने।